मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आह्वान पर नरयावली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी नेता महेश जाटव के द्वारा विधानसभा के कई ग्रामों में घूमकर नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवाए गए। फॉर्म भरने के दौरान लोगों की प्रतिक्रिया कांग्रेस के प्रति सराहनीय नजर आई, जिसमें महिलाओं द्वारा फॉर्म भरने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और कमलनाथ की योजना की सराहना की गई। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा मध्य प्रदेश की नारी शक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए राशि उपहार स्वरूप देकर उनको सम्मानित करने का काम आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर किया जाएगा, जिसकी शुरुआत भी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवा कर दी गई है। इस योजना के तहत आज नरयावली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी नेता महेश जाटव के द्वारा ग्राम कपूरिया भैंसा पटपुई बरारू कैंट क्षेत्र के वार्डों में घूमकर नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवाए गए। इस दौरान लोगों की प्रतिक्रिया कांग्रेस के प्रति सराहनीय रही। वही वर्तमान में बीजेपी से नरयावली विधायक प्रदीप लारिया और बढ़ती महंगाई सड़क पानी की परेशानी के प्रति रहवासियों में नाराजगी नजर आई। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी योजनाओं के तहत लोगों को लाभान्वित करने की बात कर रहे हैं, पर लोगों को किस पार्टी का लाभ मिल पाएगा यह तो आने वाला समय चक्र ही बताएगा। गरीब आदमियों की जो कुटी उटी वगैरह नहीं बन रही है, विधायक आज कहूँ के नहीं नरयावली कहूँ नहीं आए, कहूँ सुनत नहीं है तुम रखी तो अब बस तो आवे वाले समय में अब का कर हो तुम कौन को वोट दे हो? अच्छा काय दे हो कांग्रेस को वोट? हाँ और फिर आगे अपन महंगाई हो गई काम तो होगा महंगाई हाँ। कम कर दे। और जैसा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर नारी सम्मान योजना लॉन्चिंग की गई। इस योजना में 18 वर्ष से ऊपर की जितनी महिलाएं हैं, उनकी उम्र 18 से ऊपर जितनी भी हो, उन सभी को 1500 रुपये महीने और 500 रुपये का गैस सिलेंडर देने का उनका वादा है। उनका वादा ये भी है कि 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली, 200 यूनिट के हाफ बिजली दरें लगेंगी। इन सारी योजनाओं को लेकर हम महिला सम्मान और महिला शक्ति के कार्यक्रम को लेकर नरयावली विधानसभा के भैंसा पहाड़िया, हमारे कपूरिया सदर मकरोनिया और जितना भी क्षेत्र हमारा नरयावली क्षेत्र का लगता है, उनमें हम महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो उस योजना के फॉर्म भरवा रहे हैं। हमें देखने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पे लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं इस योजना की। भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक नीतियों का विरोध भी कर रहे हैं लगातार। जहाँ भी हम जिस ग्राम में जाते हैं, 100% महिलाएँ वहाँ आती हैं, अपना फॉर्म भरवाती हैं और खुश होकर जाती हैं। उनको कमलनाथ भाई साहब एक चीज़ और देखने में आ रहा है, यहाँ पर 15 साल से यहाँ पर विधायक रहे प्रदीप लारिया, मूलभूत सुविधाओं से भी यहाँ पर वंचित हैं। क्या नज़रिया है, क्या देखने में आ रहा है, क्या दिक्कत है? इसमें काली दृष्टि चल रही है, लेकिन वहाँ पे हम जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे भैंसा की बात हम कर लें, वहाँ पे लाखों लोग हजारों लोग रहते हैं, चाहे हम कपूरिया की बात कर लें, चाहे हम कर्रापुर की बात कर लें, सारे जगह जल संकट की स्थिति है। कहीं भी निरंतर लोगों को जल सप्लाई नहीं हो रहा है, ना शुद्ध जल पीने को मिल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की 18 साल की सरकार और 15 साल का विधायक होने के बाद भी जनता यहाँ पर बहुत रुष्ट और त्रस्त है।